आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम जो है लैपिंग को किस तरीके से चेक करते होते हैं, सुपरविजन कैसे करते होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंची टेप। कि हमारे पास ये जो राफ्ट की हम फाउंडेशन करवा रहे हैं, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं आज चलो मैंने आपको कहा कि चलो लैपिंग की आपको मैं बताता हूँ, टिप देता हूँ, एक तरीकाकार बताता हूँ कि हम उसको कैसे इंस्पेक्ट करते होते हैं। जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती है स्टील बारें, हमारे पास सारी बन जाती हैं, उसकी इंस्पेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। सो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पर खड़े हो तो आपने एक चीज़ मेंशन करनी है, एक चीज़ चेक करनी है कि आपके पास जो भी लैप होया हुआ है ये कम से कम एक दो जगह से लाजमी बंधा होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसी बार नहीं होनी चाहिए जो आपके पास बिल्कुल जो है बंधी हुई ना हो। यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपके पास कोई ऐसी लैप ना हो जो विदाउट अनील्ड हो। एक चीज़ आपने ये चेक कर ली, फिर सेकंड आपने यहाँ पे डिफरेंट लैप्स हैं, एक लैप आपके पास इस साइड पे है, एक लैप आपके पास इस साइड पे यहाँ करके है। अभी उससे सारे लैप्स हम चेक करते हैं। सो यहाँ पर आपने खड़े होकर एक चीज़ चेक करनी है कि आपके पास लैप जो है वो तकरीबन सारे बराबर होने चाहिए, ठीक है। एक जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो जो है आप निगलेक्ट कर देते होते हैं। फिर उसके बाद आपने इसकी लेंथ चेक करनी है, लेंथ आपके पास 3 फुट होना चाहिए, लैप 3 फुट होना चाहिए, और लेकिन हमारे पास ये कितना है 3.2 है, मतलब कि हमारे पास 38 इंचज़ है, तो हमारे पास 3 फीट होना चाहिए। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, 1-2 इंच आगे पीछे हो जाता होता है, तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेशक हो जाए 1-2 इंच। उसके बाद आपके पास ये लैप है, इस तरह आपने ना 2-3 लैप चेक कर लेने। अब इस साइड पे आपने बार को फंसाया, आपने उसको आपने यहाँ चेक किया, 1 इंच आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 1 इंच आपके पास बेशक ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। इस साइड से आपने लैप चेक कर लिए, ये सारे लैप आपने देख लिए। उसके बाद आपके पास आपने दूसरे लैप की तरफ चलना है, अभी दूसरे लैप की तरफ चलते हैं। इस तरह आपने राफ्ट के जो हैं सारे लैप की इंस्पेक्शन हमने करनी होती है। अब ये लैप है हमारे पास, इस साइड पे ये आपको लैप नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमारे पास लैप हैं। अगेन आपने इसकी इंस्पेक्शन करनी है, इसको चेक करना है कि ये आपके पास सारे हैं या नहीं। सो सबसे पहले क्या काम करना है, आपने देखना है कि ये जो है अनील्ड हुए हैं या नहीं। सो सबसे पहले देखो ये सारे अनील्ड हैं, सो चेक करो, यस हमारे पास ये सारे तकरीबन अनील्ड हैं। फिर आपने इसका चेक करना है इस साइड पे बार रख के, सॉरी असल में नाइट शिफ्ट है तो इसमें हमारे लिए मसला होता है, इस साइड से कर लो ताकि आपको लाइट भी लगे। आपने इस साइड पे फंसाया और चेक कर लिया, ये आपके पास 3 फीट है, ठीक है, किधर गया ये, आपके पास ये 3 फीट का लैप आ रहा है, इट्स ओके। फिर उसके बाद आपने सेकंड लैप चेक कर लेना है, ये आपके पास 3 फीट से ज़्यादा ही आ रहा है, चेक करो 3 फीट से 2 इंच ज़्यादा है, इट्स ओके, हम यहाँ पे 60 डी लेके चल रहे हैं, ओके। इस तरह आपने एक और लैप चेक कर लेना है, ये आपके पास कितना 3 फीट से ज़्यादा ही आ रहा है, इट्स ओके। सो ये लैप्स आपके पास क्लियर हो गए, ये लैप सारे ठीक हैं। इस तरह आपने इस साइड पे भी, ये हमारे पास इस साइड पे लैप हैं, इनको भी इसी तरीके से चेक करना है। अभी मैं आपको इस साइड के लैप का दिखाता हूँ कि इस साइड के लैप को हमने कैसे चेक करना है। अब ये लैप है हमारे पास, अगेन इसको यहाँ पे बाहर रखनी है आपने और चेक करना है, ये हमारे पास 3 फीट से ज़्यादा ही है। इस साइड पे भी सेम हमारे पास सारा क्लियर है तकरीबन। सो ये हमारे पास लैब का हो गया सारा, कि हमने लैब के इंस्पेक्शन की है कि हमारे पास लैब जो है वो प्रॉपर आ रहा है, पूरी उसकी लेंथें हैं या नहीं। आपने बस इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके पास लैब जो हैं वो राफ्ट में पूरे और बराबर होने चाहिए और अनील्ड होने चाहिए। इस साइड पे मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये भी सेम हमारे पास लैब सिचुएशन है, और ये लैब आपने यहाँ पर नीचे भी चेक करने, कॉलम के नीचे जो हैं आपके पास ये लैब प्रॉपर हैं या नहीं है। फिर आपके पास दूसरे लैब्स आ जाते हैं, जो आपके पास ये नीचे से दूसरी ये बारें आ रही हैं, इसका आपने लैब चेक कर लेना है। अब ये देखो इसका लैब ये प्रोवाइडेड है जो नीचे से बाहर आ रही है। अब मेरे साथ कोई बंदा नहीं है, पकड़ेगा कौन। सो ये आपके पास 3 फीट से ज़्यादा ही है, इट्स ओके। सो 3 फीट से हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, 3 फीट से हमारे पास कम नहीं होना चाहिए। अगेन
उस साइड पे देख लेते हैं कोई लैप है हमारे पास। सो अगेन ये हमारे पास नीचे लैप्स हैं, इस साइड पे ये जो बारे मैन बारे जा रही हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन बारे जा रही हैं, इसमें लैप है। ये हमारे पास जाल के ऊपर है, इसमें हमारे पास मैन ऊपर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे होती है। सो इसमें चेक कर लेते हैं। सो ये हमारे पास 3 फीट से ज़्यादा ही आ रहा है, ओके है। फिर उसके बाद जी आपके पास और इस साइड पे कोई लैब नहीं है, आपके पास बाकी सारे लैब्स क्लियर है। सो इस तरीके से हम लैब्स की इंस्पेक्शन करते होते हैं, चेक करते होते हैं कि हमारे पास लैब जो है वो प्रॉपर आ रहा है राफ्ट में या नहीं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।